गोल आपका ड्रीम हमारा वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला वेलकम स्टूडेंट्स अगर आप सिंक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना चाहते हैं और उसको जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है इस वीडियो में मैंने सिंक्रोस्कोप टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है और कंसेप्चुअल बातें इसमें आपको बताई हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंक्रोस्कोप कहाँ पे यूज़ होता है सिंक्रोस्कोप का यूज़ बस बार से अल्टरनेटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बस बार है जिसमें बहुत सारे अल्टरनेटर पहले से कनेक्टेड हैं ठीक है थीके? जिसमें बहुत सारे अल्टरनेटर पहले से कनेक्टेड है इस तरीके से उनका कनेक्शन है जो कि सप्लाई कर रहे हैं एक लोड को ठीक है ये हमारे पास एक लोड है थ्री फेज लोड इसको सप्लाई कर रहे हैं अब मुझे एक नया अल्टरनेटर लाना है और इस अल्टरनेटर को इस बस बार के साथ में कनेक्ट करना है तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता कुछ कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करना होता है वो कंडीशंस क्या है? देखिए दोनों जो होंगे जो अपना इनकमिंग अल्टरनेटर होगा और जो बस बार होगा दोनों का ही जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में वो इक्वल होना चाहिए फेज़ में मतलब एक दूसरे के फेज में होना चाहिए है ना इन फेज़ होना चाहिए मान लो वोल्टेज V1 है ठीक है वी आर है आर फेज़ का वोल्टेज है बस बार का वी आर वन और वी आर टू है वो भी क्या है इसके सेम फेज़ में होना चाहिए तभी वो दोनों जो अल्टरनेटर हैं एक अल्टरनेटर और जो बस बार है वो दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे सिंक्रोनाइज़ होंगे और उनको आप कनेक्ट कर पाओगे साथ में उनकी जो फ्रीक्वेंसी है जैसे हर जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वन सॉरी एन इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी एफ बाई पी तो एफ़ इज इक्वल टू हो जाएगा पी एन बाई वन ट्वेंटी यहाँ से ऐसा निकालते हैं नंबर ऑफ़ पोल्स नंबर ऑफ टर्न्स तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलती है तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है बस बार की बस बार की और इनकमिंग अल्टरनेटर की ये दोनों फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए तभी हम किसी बस बार से अल्टरनेटर को कनेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर सिंक्रोस्कोप का क्या रोल है ये मैं आपको बताऊँगा सिंक्रोस्कोप क्या करता है सिंक्रोस्कोप इंडिकेट द फेस सीक्वेंस ऑफ बस बार एंड अल्टरनेटर वोल्टेज जो इनकमिंग अल्टरनेटर है और जो एग्जिस्टिंग बस बार है दोनों का फेस सीक्वेंस इंडिकेट करता है ऑल्सो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस है दोनों के उसको भी ये इंडिकेट करता है अब जान लेते हैं कि जो हमारा सिंक्रोस्कोप है वो दो टाइप का है पहला है वेस्टर्न इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर टाइप सिंक्रोस्कोप और दूसरा है मूविंग आयरन टाइप सिंक्रोस्कोप तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर टाइप सिंक्रोस्कोप तो इलेक्ट्रोडाइनेमोमीटर टाइप सिंक्रोस्कोप को समझने से पहले ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रो सिंक्रोस्कोप का नहीं है इसके साथ एक और चीज़ लगी होती है वो डायनेमोमीटर लगा होता है यहाँ पे उस चीज़ को हम आगे देखेंगे पहले इसको समझ लेते हैं कि काम कैसे होता है मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें तीन लिम्ब है तो हम क्या करते हैं सेंट्रल लिंब से एक लैंप को कनेक्ट कर देते हैं और एक आउटर लिम्ब से बस बार को कनेक्ट करते हैं और दूसरे आउटर लिम्ब से इनकमिंग अल्टरनेटर को कनेक्ट कर देते हैं और हमने यहाँ पे सिर्फ Y और B फेज़ का यूज़ करते हुए कनेक्ट किया है यहाँ पर भी हम Y और B फेज़ का यूज़ करते हुए कनेक्ट कर लेते हैं इसके बाद होगा क्या जो फ्लक्स यहाँ पे बनेगा बस बार के थ्रू जो फ्लक्स आउटर लिम में बनेगा और जो फ्लक्स इनकमिंग अल्टरनेटर की वजह से ट्रांसफार्मर के आउटर लिम में बनेगा उसको हम इस तरीके से अरेंज रखते हैं कि ये दोनों क्या हो एक दूसरे को एड करें क्या करें एड करें जिससे यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा सेंट्रल लिम पे वो बस बार का जो फ्लक्स है और इनकमिंग अल्टरनेटर के द्वारा बनाया गया फ्लक्स दोनों ही फ्लक्स का क्या होगा फेज़र सम होगा ये जो सेंट्रल लिम का जो फ्लक्स होगा ये क्या होगा फेज़र सम होगा किसका किसका फ्लक्स क्रिएटेड बाय और प्रोड्यूस्ड बाय बस बार एंड फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय इनकमिंग अल्टरनेटर तो इन दोनों फ्लक्स का फेजर सम होता है हमारे सेंट्रल लिम्ब का जो फ्लक्स होगा ठीक है और आपको पता है जो वोल्टेज होगा सेंट्रल लिम्ब में ई e, वो होता है एन इंटू डी फाइव बाई डी टी मतलब कि फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा आपका उतना ही ज़्यादा ये ई एम एफ होगा और इसके क्रॉस क्या कनेक्ट है एक लैम्प कनेक्टेड है तो जितना ज़्यादा ई e होगा उतना ज़्यादा इसका ग्लो होगा उतना ज़्यादा ही अच्छे से ब्राइटनेस के साथ ये ग्लो करेगा बल्ब हमारा तो अगर ये जो बल्ब है लेम्प है ये क्या करता है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वोल्टेज है बस बार का और इनकमिंग अल्टरनेटर का वो जो वोल्टेज है वो इन फेज है वो क्या है इन फेज है अगर ये बहुत ज़्यादा ग्लो करता है तो और मान लो ग्लो नहीं करता अगर मान लो एकदम डार्क हो जाता है बिल्कुल ग्लो नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि मान लो अगर वी आर वन आपका वोल्टेज है बस बार का और वी आर टू वोल्टेज है आपका इनकमिंग अल्टरनेटर का तो ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं 180 डिग्री आउट ऑफ फ़ेज़ होते हैं इसको फेजर डाइग्राम से इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग ये मान लो वी आर वन है और ये मान लो वी आर टू है ये 180 डिग्री अगर आउट ऑफ फेज है तो हमारा जो बल्ब है या जो लैम्प है वो क्या करेगा डार्क रहेगा वो क्या नहीं होगा ग्लो नहीं होगा तो लैम्प के डार्क होने से और ग्लो होने से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा जो इनकमिंग अल्टरनेटर है इनकमिंग जो मशीन है और जो बस बार है एग्जिस्टिंग बस बार है उनके बीच में जो वोल्टेजेस का जो फेस सीक्वेंस है वो कैसा है तो इस तरीके से ये एक तरह से फेस डिफरेंस को मेज़र कर रहा है इंडिकेट कर रहा है। साथ में इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं क्या ड्रॉबैक है इसके ड्रॉबैक हैं अच्छा मैंने आपको फ्रीक्वेंसी नहीं बताया इसमें हमने एक तो चीज़ फाइंड कर ली कि क्या होगा इन फेस कैसे है ये पता कर लेंगे इन फेस को हमने देख लिया कैसे पता करेंगे अगर हमारा जो लैम्प है वो बहुत अधिक ग्लो करेगा बहुत अधिक ब्राइटनेस के साथ चमकेगा तो हम क्या समझेंगे कि ये इन फेज है दोनों ठीक है कौन कौन बस बार का वोल्टेज और इनकमिंग अल्टरनेटर या इनकमिंग मशीन का वोल्टेज ठीक है अब जो सेकेंड बात है कि ये कैसे इंडिकेट करता है डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी बस बार की फ्रीक्वेंसी और इनकमिंग अल्टरनेटर के सप्लाई की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे बताता है हमारा ये सिस्टम तो देखिए अगर ये लैम्प है ये फ्लिकर कर रहा है फ्लिकर मतलब चालू बंद हो रहा है मतलब एक बार चमकता है और एक बार डार्क होता है फिर चमकता है फिर डार्क होता है फ्लिकरिंग बोलते हैं ना अगर ये फ्लिकर हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इनके फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है बस बार की फ्रीक्वेंसी और इनकमिंग अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी में अगर डिफरेंस होगा तो हमारा ये जो लैंप है वो फ्लिकर करेगा बार बार फ्लिकर करेगा अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लिकर करेगा अगर डिफरेंस जो है फ्रीक्वेंसी का बहुत ज़्यादा है तो उस केस में जो फ्लिकरिंग का रेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा फास्ट रेट होगा और मान लो अगर बहुत कम है फ्लिकरिंग का रेट क्या है बहुत कम है तो बहुत स्लो रेट से आपका फ्लिकर करेगा फ्लिकरिंग का जो रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा तो अगर हम फ्लिकरिंग के रेट को समझ जाएं कि लैम्प का जो चालू बंद होना है यही फ्लिकरिंग का रेट है और ये अगर धीरे धीरे हो रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसीज में जो डिफरेंस है दैट इज़ नॉमिनल बहुत कम है और अगर वो फास्ट हो रहा है बहुत तेज़ी से फ्लिकरिंग हो रही है तब हम समझ सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है बस बार में और हमारे इनकमिंग अल्टरनेटर में वो बहुत ही ज़्यादा है तो इस तरीके से इस चीज़ का यूज़ करके हम वेस्टर्न टाइप सिंक्रोस्कोप इसको बोलते हैं वेस्टर्न टाइप सिंक्रोस्कोप का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो बस बार है और इनकमिंग अल्टरनेटर है इसके जो फेज सीक्वेंस है वोल्टेजेस के तो वो फेज सीक्वेंस या फेज़ एक साथ है या नहीं है दोनों के क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए सेम फेज़ में होने चाहिए तो वो है या नहीं मैग्नीट्यूड को चेक कर रहे हैं है ना अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का तो हमारा लैम्प और ज़्यादा ब्राइट करेगा ठीक है और डिफरेंस वो कैसे निकाल रहा है फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस को फ्लिकरिंग से फ्लिकरिंग रेट फ्लिकरिंग रेट से पता लगा रहा है स्लो है मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी है डिफरेंस क्या है बहुत कम है और अगर फास्ट रेट से फ्लिकर हो रहा है इसका मतलब है कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है अब इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं ड्रॉबैक ये है कि ये जो हमारा सिंक्रोस्कोप देखें हम लोग अभी ट्रांसफार्मर वाला वो जो है वो रेट को नहीं बताता कि बहुत स्लो है या बहुत फास्ट है ठीक है इट डज़ नॉट इंडिकेट द इनकमिंग अल्टरनेटर इज़ टू फास्ट और टू स्लो ये क्या बताता है डिफरेंस बताता है बस ज़्यादा है डिफरेंस कि कम है ये बताता है फ्लिकरिंग फास्ट और स्लो होके है ना लेकिन ये नहीं बताता कि जो हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर है वो ज़्यादा फास्ट है कि ज़्यादा स्लो है मतलब कि उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है या उसकी फ्रिक्वेंसी कम है इस चीज़ को वो नहीं बता पाता जो हमारा इनकमिंग अल्टरनेटर है उसकी जो स्पीड है वो फास्ट है कि स्लो है उस चीज़ को नहीं बता पाता क्योंकि जो देखो स्पीड जो होती है ना एन ये होता है वन ट्वेंटी एफ बाई पी अब मान लो अगर पोल कांस्टेंट है और वन ट्वेंटी कॉन्सटेंट है तो हमारा जो स्पीड है अल्टरनेटर का वो प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्रीक्वेंसी के तो अगर स्पीड कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और अगर स्पीड ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी तो अगर हमको पता चल जाए कि हमारा अल्टरनेटर फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं और कम ज़्यादा करके फिर सिंक्रोनाइज़ करने में आसानी होगी तो हमको ये चीज़ ना ये जो हम पढ़े हैं अभी ट्रांसफार्मर वाला वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप ये नहीं बता पाता तो इसका जो करेक्शन है इस ड्रॉबैक का वो कैसे किया गया कि ट्रांसफार्मर जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया एक इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से जी हाँ अगर आप इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में नहीं जानते तो यहाँ आई बटन पर जाकर आप वो डायनेमोमीटर का वीडियो देख सकते हैं ठीक है तो इसको रिप्लेस कैसे किया गया ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर दिया गया डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से तो जब डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस किया गया तो जो फिक्स्ड कॉइल है ठीक है डायनोमोमीटर में क्या होता है एक फिक्स्ड कॉइल होता है और एक मूविंग कॉइल और फिक्स्ड कॉइल दो पार्ट में बटा होता है तो ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है और फिक्स्ड कॉइल को हम किस में कनेक्ट किए हैं बस बार के वाई फेज और बी फेज के बीच कनेक्ट किए हैं विथ स्मॉल रजिस्टेंस एंड स्मॉल इंडक्टेंस एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू उसमें कनेक्ट कर दिए हैं और क्या किए हैं जो मूविंग कॉइल है उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं कैपेसिटर के साथ और होल कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किए हैं एक साइड बी से और एक वाई से और किस से कनेक्ट है ये इनकमिंग मशीन या इनकमिंग अल्टरनेटर जो बस बार में कनेक्ट होने वाला है तो इस तरीके से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ठीक है और देखते हैं कि पॉइंटर जो है हमारा ठीक है एक इधर पे ऐसा स्केल uh, होता है यहाँ पे स्लो होगा और इधर होगा फास्ट तो जो टॉर्क जनरेट होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला है के आई वन आई टू कॉस थीटा ठीक है के आई वन आई टू कॉस फाइव एक्चुअली मैंने यहाँ पे फाइव लिया हुआ है फाइव अगर वो नाइन्टी होगा के आई वन आई टू कॉस नाइन्टी डिग्री या फिर फाइव है ना तो I1 और I2 के बीच का जो एंगल है वही फाइव है मतलब I1 जो फिक्स्ड कॉल में जो करंट फ्लो हो रहा है और I2 मतलब जो मूविंग कॉल में करंट फ्लो हो रहा है अगर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है मान लो ये I1 है और ये I2 है दोनों के बीच के एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो हमारा जो टॉर्क है वो जीरो होगा टॉर्क हमारा क्या होगा जीरो होगा तो और ये क्या इंडिकेट करेगा हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा और वो जीरो डिफ्लेक्शन को शो करेगा उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा ठीक है मतलब एक्चुअल में ये जो पॉइंटर रहता है ना वो सेंटर में रहता है मैं आपको अच्छा डायग्राम दिखा देता हूँ देखो इस तरीके से ना हमारा जो ये पॉइंटर है ये रहता है बीचो बीच ठीक है और लेफ्ट साइड में स्लो मोशन रहता है और राइट right साइड में फास्ट का इंडिकेशन रहता है तो जब हमारा पॉइंटर का जो टी डी रहता है वो ज़ीरो रहता है मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जब जीरो होती है तो उस कंडीशन में जो मोशन होता है ठीक है अल्टरनेटर का जो स्पीड है वो मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए ठीक रहता है ठीक है जिस पर हम लोग बस बार और अल्टरनेटर मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं लेकिन अगर डिफ्लेक्ट अगर जो I1 और I2 के बीच का जो एंगल है फाइव ये अगर 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है I1 और I2 के बीच का जो एंगल है वो अगर 90 या 90 से 90 से कम है या 90 से ज़्यादा है

क्या ये पहले जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए थे वो है और साथ में क्या यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को तो दोनों को अगर हम एक साथ यूज़ करें तो दोनों हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं जैसे कि आ, हमने क्या किया था पहले वोल्टेज को देखा था इन फेज़ है कि नहीं वो चेक हो जाएगा वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी चेक हो जाएगा फिर इसका क्या चेक हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है वो चेक हो जाएगा है ना फ्लिकरिंग से पता कर लेंगे और डाइनमोमीटर लगा है उससे क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा आने वाला अल्टरनेटर है जो कि बस बार में कनेक्ट होने वाला है उसकी स्पीड स्लो है या फास्ट है ये भी पता चल जाएगा तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है पूरा सिंक्रोस्कोप इलेक्ट्रो डायनिमोमीटर टाइप या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनमोमीटर टाइप या ब्रैकेट में ऐसा लिखा रहता है वेस्टर्न वेस्टर्न टाइप भी बोला जाता है इसको वेस्टर्न कहा जाता है वेस्टर्न टाइप को तो बस इतना ही कंसेप्ट है और आप बढ़िया से इसको प्रिपेयर करिए वीडियो को बार दोबारा देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आया हो इस तरीके से आप ये पूरा देख करके समझ सकते हैं नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग आयरन टाइप को देखिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे एक डिमांड मिली थी हमारे व्यूवर से उनको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ठीक है हमारे यू सॉरी इमामी के इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के डिप्लोमा में जो है उसमें एक टॉपिक है जिसमें कि मूविंग आयरन सिंक्रोस्कोप को पूछा जाता है ठीक है लेकिन ये एग्ज़ाम में आया नहीं है अभी तक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी मैं वीडियो बनाऊं और आपका ये टॉपिक कवर हो जाए मूविंग आयरन टाइप सिंक्रोस्कोप तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये चाहिए ये इस, इस टॉपिक पर वीडियो अगर चाहिए तो मैं फिर बना दूंगा नहीं तो फिर अपन इसको छोड़ देंगे और हम लोग सिर्फ ये जानेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है ठीक है ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में इसका और अच्छा एक डायग्राम है इसका स्क्रीन शॉट लेकर के आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं कलरफुल है ठीक है सेम है वर्किंग बस यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिया था इसलिए मैंने इसको आपको नहीं समझाया क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता यहाँ पर ऐसा कनेक्शन होता है ये इस तरीके से ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को इस चैनल को शेयर करिए ताकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता चल सकें और वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकें थैंक यू